नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की रैली में उठाया पुलवामा और बाटला हाउस एनकाउंटर का मुद्दा। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पुलवामा में हुए आतंकी हमलों और दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर के मुद्दे को उठाया। उन्होंने दोनों घटनाओं पर ममता बनर्जी के स्टैंड की आलोचना करते हुए उन पर तुष्टिकरण के आरोप लगाए। प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि जब पुलवामा हमला हुआ तो आप किसके साथ खड़ी थी, ये भी बंगाल के लोग भूले नहीं है। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि दो दिन पहले ही दिल्ली की एक अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है। ये फैसला बाटला हाउस एनकाउंटर केस से जुड़ा था। इस एनकाउंटर में भारत में आतंकवादी और आतंकवाद के लिए जो काम करते हैं उनके चेहरे को उजागर कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसी एनकाउंटर में एक आतंकी की गोली लगने से देश के जबाज सपूत इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे, जिसके बाद अब अदालत ने उस आतंकी को फांसी की सजा सुनाई है। ममता दीदी और उनकी पार्टी का उस समय का व्यवहार लोग भूल नहीं सकते। ये लोग उस समय आतंकवादियों के साथ खड़े थे और एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे थे। आगे पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग तुष्टिकरण के लिए किस हद तक जा सकते हैं, यह बहुत बड़ा उदाहरण है। एक साल में बंद होंगे टोल नाके, लोकसभा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि एक साल में देश भर में टोल नाके बंद कर दिए जाएंगे। टोल शुल्क की वसूली जीपीएस इमेजिंग के जरिए की जाएगी। गडकरी की यह बड़ी घोषणा है। इससे देश में टोल नाकाओं पर लगने वाली लंबी कतारों व समय और ईंधन की बर्बादी से बचा जा सकेगा। गडकरी ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शहरों के भीतर पहले बनाए गए टोल एक साल में हटा दिए जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि इस तरह के टोल टैक्स में चोरी बहुत होती थी, अब गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा और इसकी मदद से टोल शुल्क का भुगतान हो सकेगा। इसके बाद शहर के अंदर इस तरह के टोल की जरूरत नहीं होगी, यह काम एक साल के अंदर पूरा हो जाएगा। नई टेक्नोलॉजी से नई मुसीबत, 5G नेटवर्क से प्रभावित हो सकती हैं सैटेलाइट टीवी की सेवाएं। जी हां, आपको बता दें कि भारत में 5G नेटवर्क की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। स्पेक्ट्रम की नीलामी भी हो गई है। एयरटेल और जियो जैसी दो बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने 5G का टेस्ट और लाइव डेमो भी दिखा दिया है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल है जो कि दब गया है। इंटरनेट के लिए तो 5G बड़े काम का साबित होने वाला है, लेकिन टीवी ब्रॉडकास्ट के लिए यह उतना ही नुकसानदायक हो सकता है। 5G नेटवर्क के कारण टीवी ब्रॉडकास्टिंग के सिग्नलों में दिक्कतें आ सकती हैं और क्वालिटी भी खराब हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि टीवी ब्रॉडकास्ट में 3.7 GHz से 4.2 GHz तक की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल होता है, जो कि सैटेलाइट से टीवी पर डाउनलिंक करता है। और खास बात यह है कि 5G के लिए 3 GHz से 3.7 GHz तक की फ्रीक्वेंसी का चुनाव हुआ है। इसका सीधा असर 900 चैनलों पर पड़ेगा। इस संबंध में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन यानी IBF ने दूरसंचार विभाग और सूचना और प्रसारण मंत्रालय को एक प्रेजेंटेशन दिया है, जिसमें 5G स्पेक्ट्रम से टीवी ब्रॉडकास्टिंग में आने वाली दिक्कतों के बारे में बताया गया है। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में गर्जी दीदी बोली, शेरनी हूं मैं, नहीं झुकाऊंगी अपना सिर। जी हां, आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 18 मार्च को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में जनसभा को संबोधित किया और ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। इसके बाद दीदी मेदिनीपुर के अमलासुली पहुंची और पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मैं शेरनी हूं, अपना सिर किसी पार्टी के सामने नहीं झुकाऊंगी। इस दौरान दीदी ने पीएम मोदी को सीधे तौर पर नाम नहीं लिया, लेकिन भाजपा को आड़े हाथों जरूर लिया। मेदिनीपुर के अमलासुली में ममता बनर्जी ने कहा कि मैं शेरनी हूं, अपना सिर किसी के सामने नहीं झुकाऊंगी। मेरा सिर्फ जनता के सामने सिर झुकता है, लेकिन महिलाओं और दलितों पर अत्याचार करने वाली भाजपा जैसी राजनीतिक पार्टियों को मैं किसी भी हाल में समर्थन नहीं कर सकती। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर यहां कोई भी माओवादी, वामपंथी या कांग्रेस का दोस्त है तो मैं उनसे कहती हूं कि वे माकपा को वोट ना दें, क्योंकि वे भाजपा के साथी हैं। वे कांग्रेस को वोट ना दें, क्योंकि वे भी भाजपा का हिस्सा है। भाजपा दंगाई पार्टी है। भाजपा वाले जानते हैं कि ममता बनर्जी का मतलब ऊर्जा है, और मैं लोगों के साथ मिलकर लड़ूंगी और पलायन नहीं करूंगी। भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव पर दर्ज हुआ मुकदमा, सोशल मीडिया पर अभद्र व्यवहार का आरोप। जी हां, आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है, लेकिन अब उनके फैंस के लिए एक बुरी खबर है। दरअसल खेसारी लाल यादव अब बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं। लखनऊ में रहने वाले एक शख्स ने खेसारी के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया है। जानकारी के मुताबिक ये मुकदमा लखनऊ के गुडम्बा थाने में दर्ज कराया गया है।
खेसारी पर मुकदमा दर्ज कराने वाले व्यक्ति का नाम आर आर पांडे बताया जा रहा है। ये फिल्म निदेशक हैं। आर आर पांडे ने खेसारी लाल यादव के खिलाफ फोन पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई है। खेसारी लाल यादव पर आरोप है कि पिछले 2 साल से वो कभी फेसबुक तो कभी किसी इंटरव्यू के जरिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा खेसारी लाल यादव अपने गीतकार अखिलेश कश्यप, यूट्यूबर अर्जुन यादव आर्या और महबूब खान के जरिए गाली गलौज जान से मारने की धमकी दिला रहे हैं। देश में कोरोना ने फिर से पकड़ी रफ्तार। पिछले 24 घंटों में नए मरीजों की संख्या 35,000 के आंकड़े को पार। जी हां, आपको बता दें कि देश में एक बार फिर कोरोना वायरस ने रफ्तार पकड़ ली है। दिन ब दिन आंकड़े डरा रहे हैं। तमाम पाबंदियों के बावजूद लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। इसके कारण आज के आंकड़ों में साफ देखी जा सकती है। इस साल पहली बार कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 35,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जो इस साल में एक दिन में मिले नए कोरोना संक्रमित मरीजों की सर्वाधिक है। वहीं पिछले 24 घंटों में 172 लोगों की इस वायरस से जान गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या बढ़कर 35,871 हो गई है। इसी के साथ देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,14,74,605 हो गई है। पिछले 24 घंटों में इस जानलेवा संक्रमण से 172 लोगों की जान चली गई है। इसी के साथ मरने वालों की संख्या 1,59,216 पर पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में रेप पीड़िता के घर जाकर राखी बंधवालों वाली बेल की शर्त को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा, साथ ही लगाई फटकार। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें रेप के एक आरोपी को बेल के बदले पीड़िता से राखी बंधवाने को कहा गया था। 9 महिला वकीलों की ओर से दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इस तरह के केसों में रूढ़िवादिता से बचना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने बेल की शर्त को चुनौती देते हुए कहा था कि इस तरह के आदेश महिला को एक वस्तु के रूप में दिखाते हैं। वहीं आपको बताते कि पड़ोसी पर यौन हमले के आरोप में उज्जैन की जेल में बंद आरोपी विक्रम बागरी ने अप्रैल 2020 में इंदौर में जमानत याचिका दायर की थी। 30 जुलाई को मध्य प्रदेश की इंदौर बेंच ने सशस्त्र जमानत दे दी। शर्तों में यह भी शामिल था कि आरोपी रक्षाबंधन पर आरोपी के घर जाकर राखी बंधवाएगा। आदेश में यह भी कहा गया था कि आरोपी पीड़िता के भाई की तरह रक्षा का वचन और 11,000 रुपये देगा। उस महिला और उसके बेटे के लिए कपड़ा खरीदने के लिए अलग से 5,000 रुपये देने को कहा गया था। कोर्ट ने कहा था कि राखी बंधवाते हुए तस्वीर रजिस्ट्री में जमा करानी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को फटकार लगाते हुए इस तरह के शर्त को रद्द कर दिया है। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।